सो देखिए गाइस, लग रही है ना बिल्कुल झकास आइटम, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है गाइस। ये डेली यूज़ के कड़े हैं, आज हम ही नहीं बनाने वाले हैं। देखिए बहुत अच्छे लगेंगे पहनने के बाद। देखिए गाइस, देखिए मैं आपको और करीब से दिखाता हूँ, देखिए कितने सुंदर लग रही हैं गाइस, बहुत अच्छे लगेंगे गाइस ये पहनने के बाद। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं हूं शुभम और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुभम टैलेंट क्रिएटर में। सो गाइस, आज की वीडियो जो होने वाली है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होने वाली है। उसमें आपको अच्छे से समझा दूंगा कि केमिकल्स बैंगल्स कैसे बनते हैं। आपने थंबनेल में देखा होगा कि हम आज मैन्युफैक्चर करके केमिकल्स बैंगल्स का हम 1.5 से 1 लाख रुपये आराम से कमा सकते हैं। तो गाइस ये सच है बिल्कुल कि हम 1 से 1.5 लाख रुपये आराम से कमा सकते हैं। अगर गाइस आपका जो मैन्युफैक्चर वो सफल हो जाता है, आप एक कामयाबी पहुँच जाते हो, तो गाइस ये सच है कि आप 1 से 1.5 लाख रुपये आराम से कमा सकते हो। अगर गाइस आपकी जो कंपनी बना के आप उसे और ज़्यादा ऊंचा कर देते हो, आप इन्वेस्ट करते हो उस पैसे में, तो गाइस मैं झूठ नहीं कहूँगा, तो आप सच में 1 से ज़्यादा रुपये भी कमा सकते हैं, 1 लाख से ज़्यादा रुपये आप आराम से कमा सकते हैं। तो गाइस आज की वीडियो हम जो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि गाइस जो मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। सो गाइस देखिए, जो हमारे ये और जो सामान लगेगा वो है ये 2 केमिकल्स। मैंने इसका जो आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिया था ये कौन से केमिकल्स हैं, फिर मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। ये प्लूटोन केमिकल है, ये वाइट केमिकल है प्लूटोन का, ये ब्लैक केमिकल है, और ये मिक्स हो जाएंगे तो ये एक पेस्ट सा बन जाएगा जो हमें अपनी चूड़ियों पर चढ़ाना है। और उसके बाद ये मतलब सूखने में इसको टाइम लगेगा, मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बता दिया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और गाइस अब देखिए कि और जो अब हम ये दिया है हमने, इसमें हम इसको मिक्स करेंगे। अगर हम कोई कटोरी ले लेते हैं ना तो वो ख़राब हो जाएगी, तो हम ये दिया मिट्टी का दिया है, हम इसे यूज़ कर लेंगे। देखिए गाइस मैंने ये पहले भी यूज़ कर रखा है इसलिए ऐसा हुआ है ये। और गाइस अब देखिए मैंने ये मोती लिए हैं, ये मोती मैंने आपको इसका रिव्यू करवाया था फर्स्ट वीडियो में। ये गाइस रेड मोती लिए हैं मैंने, रेड फ्लावर लिए हैं रोज़ के, ये देखिए ये लिया है मैंने। और ये सर्कल्स लिए हैं मैंने, ये सर्कल्स बहुत अच्छे लगेंगे। और ये येलो कलर लिया है हमने, देखिए गाइस ये ले लिया है। और एक ये प्लास्टिक की शीट ले लीजिए आप, अगर आपके पास कोई गत्ते की शीट है वो ले लीजिए, मैंने ये गत्ते की शीट ली है ताकि इस पर जो हमारा फर्श गंदा ना हो, कोई केमिकल वगैरह पड़े तो, इसलिए मैंने ये ले लिया है। तो गाइस मैंने इसका सारा सामान का अब आपको बता दिया है क्या क्या सामान लगेगा आज के जो बैंगल्स बनाने में। तो गाइस चलते हैं अब अपने बैंगल्स बनाने की तरफ। सो गाइस देखिए ये मैंने स्टैंड ले लिया है, और अब मैंने इसमें ना जो ये चूड़ियाँ हैं, जो देखिए ये पाइप में जो चूड़ियाँ हैं ये सेट कर दी हैं, देखिए गाइस ये सेट कर रखी हैं मैंने। और गाइस ये स्टैंड है, इसे हम ऐसे देखिए ये स्टैंड, इस पे ही हम अब अपनी चूड़ियाँ बनाएंगे। देखिए रोटेट होगा ये, जिससे जो हमारा केमिकल है वो एक जगह पर नहीं रहेगा। अगर ये रोटेट होगा, देखिए गाइस ये ऐसे रोटेट होगा, ऐसे मैं यहाँ से इसे पकड़ूंगा और ऐसे ऐसे रोटेट करूँगा गाइस, ताकि जो हमारा केमिकल है, जो हम केमिकल मिक्स करेंगे अपना, वो मतलब एक ही जगह ना रहे। अगर वो एक ही जगह रहेगा तो वो नीचे मतलब जैसे पानी नीचे पड़ता है ना फटाफट, ऐसे ही वो पड़ जाएगा। तो गाइस इसलिए मैंने इसे रोटेट करता रहूँगा, तो गाइस इसलिए ये स्टैंड मैंने आपको बता दिया है अब। तो गाइस देखिए अब मैं इसको आपको मतलब मिक्स करना सिखाऊंगा केमिकल्स को। तो मैंने ये सबसे पहले वाइट केमिकल ले लिया है, अब हम इसे अपने ये दिए में डालेंगे। तो गाइस देखिए ऐसे डालेंगे, सो गाइस देखिए मैंने ना ये ले लिया है वाइट केमिकल, देखिए ये ना बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा है तो आपको दिखने में थोड़ी मुश्किल होगी। तो गाइस देखिए मैंने ये इतना ले लिया है, और गाइस अब हम इसमें ना जो अपना ब्लैक केमिकल है वो मिक्स करेंगे। देखिए ये ब्लैक केमिकल है, ये देखिए ब्लैक केमिकल, अब मैं इसको डालूंगा इसमें, थोड़ा गाइस ये खत्म हुआ तो थोड़ा टाइम लगेगा इसे डालने में। सो देखिए गाइस ये आ गया है, अब हमें जितना ये वाइट केमिकल लिया इसे बहुत कम लेना है। देखिए मैं गाइस इसे बहुत थोड़ा लूंगा, देखिए अमाउंट में, देखिए गाइस ये बहुत है, देखिए गाइस ये बहुत है, इतना हमारा केमिकल हो जाएगा, इतना केमिकल हमें एक कड़े बनाने में लग जाएगा। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, देखिए गाइस अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें इसे। गाइज मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जितना ब्लैक केमिकल कम लेंगे, मतलब इतना भी कम मत लीजिएगा कि वो मतलब सूखे ही ना कभी, तो इतना लीजिएगा, मतलब मैंने आपको इसका रेशो बता दिया था कि
3 चम्मच, अगर आप व्हाइट लेंगे तो आपको 1 चम्मच, सिर्फ ओनली 1 स्पून आपको ब्लैक लेना है। तो गाइस आप ये याद रखिएगा, मैंने अब आपको इतना ही बताया। आप जब शुरू में बनाना स्टार्ट करें तो आप इस रेशियो से लिए, मैंने भी अपना जो रेशियो था वो चम्मच से ही लिया था, पर अब गाइस मुझे अंदाजा हो गया इसलिए मैं अब ये ऐसे लेता हूँ। तो गाइस देखिए ये बिल्कुल मिक्स हो गया है। अब आज में जो मैंने आपको स्टैंड में दिखाया था कौन से कलर की चूड़ियाँ हैं, तो गाइस आज हम ना येलो कलर की चूड़ियाँ बनाने वाले हैं। तो गाइस आज हम येलो कलर की चूड़ियाँ बनाने वाले हैं, तो हमें येलो कलर की आवश्यकता होगी। तो गाइस अब हम येलो कलर ले लेंगे, इसके बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट में, बिल्कुल हल्की सी अमाउंट लेंगे हम इसकी। देखिए गाइस आप कोई भी सीक से ले सकते हैं, आप माचिस की सीक से ले सकते हैं, मैंने इससे ले रहा हूँ, चाट वाली सीख है ये, जिसे हम चाट खाते हैं। हम देखिए इतना सा केमिकल बहुत है, ये बहुत ज़्यादा है ये भी। तो गाइस अब हम इसमें मिक्स कर देंगे इसको। आप ये गलती मत कीजिएगा कि जितना केमिकल है उतना ही हमें कलर भी लेना, नहीं गाइस बहुत थोड़ा सा बहुत है ये। देखिए गाइस इससे ही मैं आपको दिखाता हूँ कितना ज़्यादा हो जाएगा, ये हो गया ना बिल्कुल येल्लो। गाइस ये थोड़ा सा ही बहुत होता है पेंट। सो गाइस अब ये पेंट भी मिक्स हो गया है। तो गाइस अब हमें ना ये बिल्कुल सूखने के लिए रख देना है। देखिए ये थोड़ा सा सूखना चाहिए, मतलब हम अब इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे, 10 या 15 मिनट के लिए हम अब इसे रेस्ट देंगे। गाइस ऐसे ही रखे जाने दीजिए, जहाँ पे हवा ना लगे ना वहाँ पे रखे रहने दीजिए। तो गाइस मैं इसे रख देता हूँ यहाँ पर हवा नहीं लगेगी। तो गाइस हो गया हमारा जो ये कम्प्लीट, अब हम अपनी जो चूड़ियाँ बनाने की तरफ चलेंगे 15 मिनट के बाद। सो गाइस देखिए अब हम इसे ऐसे रोटेट करेंगे। देखिए ये केमिकल मैंने ले लिया है, देखिए ये केमिकल्स मैंने ले लिया है ये। अब हम इसे इस चूड़ी पे चढ़ाएंगे। देखिए गाइस ऐसे चम्मच में लिया थोड़ा सा और ऐसे थोड़ा रोटेट किया, देखिए कितनी जल्दी जल्दी पड़ रहा है, इसलिए हमें इसे रोटेट करता रहना होगा। देखिए गाइस मैं चम्मच में भी ऐसे रोटेट करके ये चढ़ा लूँगा। और गाइस देखिए मैं अब इसे नीचे रख के और ये मैंने अपनी कड़ी में अप्लाई करूँगा। देखिए गाइस ये ऐसे ऐसे हमें अप्लाई करना है। देखिए गाइस ऐसे ऐसे हमें ये अप्लाई कर लेना है, पूरे कड़े में हम ऐसे ही अप्लाई कर लेंगे। कुछ इतना ज़्यादा भी केमिकल मत चढ़ाइएगा गाइस कि आपको आगे दिक्कत हो, इसकी जो गांठ बन जाए ज़्यादा केमिकल चढ़ाने से। तो गाइस जितने इसको जरूरत है उतना ही चढ़ाए कि ये कवर हो जाए, बस इतना चढ़ाइएगा गाइस। देखिए गाइस मैं अभी इसे ऐसे स्पून से रोटेट करूँगा, स्पून से इसको एक सार करूँगा कि ये कैसे एक सार हो जाएगा। देखिए गाइस जब तक ये एक साल नहीं होता हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, ऐसे घुमाते रहेंगे और फिर जब अपने आप हो जाएगा एक। देखिए गाइस अभी तो आपको इसमें ऐसे लग रहा होगा कि ये लेयर सी आई हुई है इसमें। देखिए गाइस अब हम इसे ऐसे ऐसे रोटेट कर लेंगे, जो एक्स्ट्रा केमिकल है हम उसे ऐसे ऐसे निकाल देंगे, ऐसे निकाल देंगे और सारे को ऐसे रोटेट कर लेंगे। सो गाइस देखिए अब हम इसे इस कड़े पे तो चढ़ा लिया है हमने, अब हम इसे पूरे पे चढ़ा लेंगे। बिल्कुल चूड़ी पे भी चढ़ा लिया था मैंने एक, अब मैं इसे पूरे पे चढ़ा दूंगा। देखिए गाइस ऐसे ऐसे मैं सभी पे चढ़ा दूंगा, मैंने आपको कड़े में चढ़ाना सिखाया है। सो गाइस देखिए सबसे पहले हम अब इन सर्कल्स को ले लेंगे और अब हम इसे स्टार्ट कर देंगे लगाना। देखिए गाइस मैंने एक यहाँ पे लगा दिया, देखिए ये ऐसे हमें उठाना है और फिर लगाना है, ऐसे उठा उठा के लगाना है हमें। देखिए गाइस मैंने ये एक यहाँ पे लगा दूंगा मैं अब। देखिए गाइस एक यहाँ पे लगा दिया मैंने अब, ठीक है। देखिए गाइस अब ऐसे ही हम एक और यहाँ पे लगा देंगे। देखिए एक हम यहाँ पे लगा देंगे, अब एक हम फिर से यहाँ पे लगा देंगे और एक हम फिर से यहाँ पे लगा देंगे। गाइस ऐसे हमें अब ये 7 8 लगा दिए हैं, ये 7 या 8 हैं। अब मैंने इसे ऐसे अब सेंटर में कर दूंगा मैं अब इसे। देखिए गाइस देखिए गाइस अब मैंने ये 7 या 8 लगाए हैं ऐसे ही, और अब मैंने ये लगा दिया। अब हम इस कड़े पे भी अप्लाई कर लेंगे ताकि पहले इस चीज़ का काम हो जाए। अब हम इसे भी ऐसे ही सारे पे लगा देंगे। देखिए गाइस मैंने इस कड़े पे भी अब ये लगा दिए हैं।
अब इनका काम हमारा पूरा हो गया है। सो गाइस देखिए, अब मैंने ये फ्लावर ले लिए हैं, ये फ्लावर्स हैं। अब मैंने जो ये छेद है ना, ये सर्कल सेल के अंदर मैं ये फ्लावर्स भर दूंगा। गाइस एक ऐसे उठाया और ऐसे हमने इस पे अप्लाई कर दी। देखिए गाइस, ऐसे हम इसे अप्लाई कर देंगे सारे पे। देखिए गाइस, मैंने ये अब ये पूरे कर लिए हैं, अब इनका भी खेल खत्म हो गया है, मतलब ये भी मैंने अब लगा लिए हैं। और गाइस देखिए, अब इसे कड़े बनाने में थोड़ा और टाइम लगेगा, ये दोनों कड़े पूरे करने में। अब हम ना ये हमारे रेड मोती हैं, अभी हम ये ले लेंगे। अब हम इसे किसी चीज़ में डालकर और अब इसको लगाना स्टार्ट करेंगे। देखिए गाइस, ये थोड़े से मोती ले लिए हैं मैंने, इसे ऐसे फैला लेंगे और अब इस कड़े के लगाना स्टार्ट करेंगे। देखिए गाइस, अब मैं बताऊंगा आपको कैसे लगाने हैं ये। देखिए गाइस, अब हम ना इस सर्कल के चारों तरफ ये लगा देंगे, ये चारों तरफ लगा देंगे हम ये मोती। बहुत ही सुंदर लगेगा ये डिजाइन जो मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ, लग रहे हैं ना बिल्कुल सुंदर। अब हम इसे सारे को, मतलब जो हमने ये लगाए हैं ना सर्कल, सॉरी फ्लावर्स, अब हम सारे को लगा लेंगे इसके। सो देखिए गाइस, अब हमने ये दोनों कड़े कंप्लीट कर ली हैं। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ये, बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं ये कड़े। अब हम ये चार जोड़ी कंप्लीट करेंगे इनकी, ताकि ये पूरा सेट बन जाए। तो देखिए गाइस, मैंने ये दोबारा ये सर्कल्स ले लिए हैं और अब हम इसे ऐसे लगा देंगे। तो हम इसे चार बार लगाएंगे, मतलब चार सर्कल्स लगाएंगे हम एक चूड़ी पे। देखिए ये, देखिए ऐसे लगा देंगे, ये हो गया। देखिए गाइस, अब हम इसे ऐसे लगा देंगे। मुझे पता है गाइस, ये थोड़ा मतलब इस चूड़ी के अकॉर्डिंग थोड़ा बड़ा साइज है सर्कल का, बट गाइस आपने देखा होगा कि चूड़ी से बड़े बड़े डिजाइन आते हैं, जैसे साइडों में जैसे फूल हो गया, कितने सुंदर लगते हैं। ऐसे ही आज मैं बनाया, थोड़ा छोटा डिजाइन है पर बहुत अच्छा लगेगा ये भी। देखिए गाइस, अब हम इसे ऐसे ही सभी पे अप्लाई कर लेंगे। उससे पहले मैं आपको इस चूड़ी में फ्लावर और लगा के दिखा देता हूँ कितनी सुंदर लगेगी ये। देखिए गाइस, ये फ्लावर मैं इसके अंदर बीच में लगा रहा हूँ, उठाया मैंने ये और इसमें इसके बीच में लगा दिया। देखिए गाइस, लग रही है ना एकदम सुंदर चूड़ी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन लगेगा गाइस ये बनने के बाद। ऐसे ही हम इस तीनों चूड़ी में भी लगा देंगे ये। और देखिए गाइस, अब मैं इस तीनों चूड़ी में लगा दूंगा। सो देखिए गाइस, मैंने इन चारों चूड़ियों पे ये फ्लावर और ये सर्कल अप्लाई कर दिए हैं। अब देखिए, अब हम इन पे मोती अप्लाई करेंगे। हमें ना ये मोती का जो डिज़ाइन बनाना है, वो तीन मोती लगाने हैं एक साइड में। तो देखिए गाइस, ऐसे डिज़ाइन बनाना, मैंने आपको एक लगा के दिखा दिया है, और हम इसे ऐसे ही लगा देंगे। गाइस एक बात का ध्यान रखिए कि आप इसे रोटेट करते रहिए, अगर आप एक मोती लगा रहे हैं तो इसे एक बार और फिर रोटेट करें, थोड़ा थोड़ा रोटेट करते रहें। क्योंकि गाइस, अगर एक आप एक जगह टिके रहेंगे तो गाइस ये खराब हो जाएगा पूरा, ये मतलब ये नीचे गिरने लगेगा, क्योंकि अभी ये लिक्विड फॉर्म में, अगर ये सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा तो ये नीचे नहीं गिरेगा। गाइस ऐसे ऐसे मैंने आपको दिखाया, देखिए गाइस ऐसे उठाना है और अब लगा देना है। और गाइस अब इस पे बीच में एक मोती लगा देना है। देखिए गाइस ऐसे, ये बहुत सुंदर लगेगा। मैं अब आपको ये पूरे पे अप्लाई करके दिखा दूंगा। देखिए गाइस, अभी पूरा कंप्लीट हो गया है, चूड़ियाँ भी कितनी अच्छी लग रही हैं और ये कड़े भी कितने अच्छे लग रहे हैं। अब हम इसे सूखने के लिए रखेंगे। गाइस एक बात का ध्यान रखिए, सूखने के लिए भी हमें ना ये रोटेट करते रहना होगा। तो गाइस आपके हाथों से ये दुखने लगेंगे 3 घंटे तक आपको सुखाने के लिए। तो गाइस आपको ये ना कम से कम आपको 3 घंटे तो लग ही जाएंगे। तो आप ना, मैंने तो एक मशीन ला रखी है, तो गाइस उस मशीन में मैं इसे सुखाऊंगा, मतलब वो सुखाने की नहीं है, वो इसे रोटेट करेगी और वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, तो वो इसे रोटेट करेगी। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। देखिए गाइस, ये है वो मशीन, ये इसे रोटेट करके दिखाएगी। देखिए ये बोतल ऐसे ऐसे घूमेगी, इस मोटर, ये मोटर लगा रखी है किसी ने, तो जो इलेक्ट्रिसिटी वाले भैया उसने लगा रखी है। तो गाइस अब मैं इसे आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे रोटेट करेगी मशीन में लगा के। सो देखिए गाइस, ये ऐसे ऐसे रोटेट होगी, आपको दिख रहा है ये कैसे रोटेट हो रही है, ये मशीन इलेक्ट्रिसिटी से चली हुई है। और अब हमारी वीडियो जो है कंप्लीट हो जाती है। अब मैं आपको ये सूखने के बाद दिखाऊंगा कितने अच्छे लग रहे हैं ये। सो गाइस अब हमारी जो वीडियो कंप्लीट हो गई है।
सो देखिए गाइस, जो हमारे कड़े हैं वो बनकर रेडी हो गए हैं। बिल्कुल ये सूख गए हैं, इन्हें सूखने में कम से कम 3 घंटे लगे हैं और ये बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। देखिए गाइस कितने चमक रहे हैं, बहुत ज़्यादा शाइनी, बहुत अच्छे लग रहे हैं गाइस। देखिए अब मैंने अपना काम कम्प्लीट कर दिया है, मैंने आपको ये डेली यूज़ के केमिकल बैंगल्स भी बनाना सिखा दिया है। अब आप भी अपना काम कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके आपको नई नई नोटिफिकेशन मेरी वीडियो को मिलती रहेंगी। और गाइस मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।